आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ चैनल रिव्यूज़। तो क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ चैनल रिव्यूज़ जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा था। और बहुत सारे चैनल आए हैं तो एक वीडियो में सारे चैनल को रिव्यू कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक एक वीडियो में हम पाँच पाँच चैनल्स को लेकर चलेंगे। आज पाँच चैनल को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पाँच, और उसके नेक्स्ट वीडियो में पाँच, इस तरह से लेकर हम चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल भी रिव्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म पर जाकर आप अपने चैनल का लिंक पेस्ट कर दीजिए और उसे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जब भी आपका नंबर आएगा तो हम उसे पिक कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, वहां जाकर अपने चैनल का लिंक डाल दीजिए। नाम नहीं डालना है, चैनल का लिंक डालना है, क्योंकि नाम डालने से प्रॉब्लम ये होता है कि एक ही नाम से बहुत सारे चैनल होते हैं तो कभी कभी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने चैनल का लिंक डालिए, नाम मत डालिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मत डालिएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में डालने से लिंक कभी कभी उड़ भी जाता है, डिलीट हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप गूगल फॉर्म पर जाइए और गूगल फॉर्म पर अपने चैनल का लिंक पेस्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू से। तो आज हमारे पास सबसे पहला चैनल है एड्यू हेल्प। अगर हम इनके चैनल इनका चैनल जो है कुछ एजुकेशन रिलेटेड है, और यहाँ पर इनका बैनर मुझे काफ़ी सही लगा। बैनर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है और इन्होंने इस तरफ जो है वो काफ़ी जगह छोड़ा भी है ताकि मोबाइल पर भी सही से दिखे और डेस्कटॉप पर भी। तो इन्होंने बैनर तो बहुत सही बनाया है और इनका चैनल मराठी में है। अब मराठी मुझे समझ में नहीं आती, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये एजुकेशन रिलेटेड चैनल वो तो पता चल रहा है। क्लास 10 मतलब ये स्कूल लेवल का जो एजुकेशन है उस पर रिलेटेड है। अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएँ तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल्स दी है। क्लास 5th से 12th तक का यहाँ पर है। चैनल इनका बहुत ज़्यादा पुराना तो मुझे नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 महीने पुराना, और 2 महीने के हिसाब से इन्होंने ठीक ठाक वीडियो डाल दी है। तो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी तो आपकी सही है। अब अगर हम वीडियो ओपन करके आपका देखें मुझे लगता है आपने इंट्रो काफ़ी लंबा डाल दिया है, इतने लंबे इंट्रो की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर। आपने 15 सेकंड का इंट्रो डाल दिया है, 15 सेकंड का इंट्रो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप 2-3 सेकंड का इंट्रो डालिए, उससे ज़्यादा थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी पहले अपनी वीडियो में 7 सेकंड का लगभग इंट्रो डाला हुआ था, बट वो मैंने हटा दिया। अच्छा, आप इस वीडियो में कुछ बोल नहीं रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब सिर्फ नोट्स का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो चल रहा है और पीछे से कुछ म्यूज़िक लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा दिक्कत होगा, और आप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो मेरे तरफ से ये सजेशन रहे है कि आप इसमें अपनी आवाज़ भी डालिए अगर आपके लिए पॉसिबल है डालना तो। और अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन तो आपने सही से लिखा है और टैग्स वगैरह भी आपने डाले हैं, तो चैनल टैग्स और वीडियो टैग्स वो सब सही है। आप ये कीजिए कि आप नोट्स के साथ अपनी आवाज़ भी डालिए, और अगर पॉसिबल हो मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पर आपकी वीडियो है, उसको आप खुद से समझाते हुए वीडियो डाली तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह सिर्फ नोट्स चल रहा है तो वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि रीच थोड़ी और बढ़े, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, आप इस तरह की वीडियो बना रहे तो मुझे लगता है आप एक टीचर होंगे, तो अगर टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो आपको मतलब पर्सनली जानते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं वीडियोज़। तो हो सकता है अगर उन्हें यूज़फुल लगे तो वो अपने और दोस्तों को शेयर करें, तो इस तरह से आपका चैनल बढ़ सकता है। प्लेलिस्ट भी आपने बनाया हुआ है, बहुत सही है। तो बस यही इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से मतलब अपनी आवाज़ भी डालिए इसमें वीडियोस में समझाते हुए। नेक्स्ट चैनल है हमारे पास 1600 मीटर गेमिंग। सबसे पहली बात तो यार आप अपना बैनर ठीक कीजिए। आपका जो बैनर है वो मोबाइल के हिसाब से तो सही है, इतना जो पोर्शन है वो मोबाइल पर दिख जाता है, बट डेस्कटॉप पर ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इस साइड भी ब्लैक है, इस साइड ब्लैक है, और मतलब ऐसे खाली खाली सा लग रहा है। तो आप बैनर से ही कीजिए। अगर आपका होम पेज अगर देखा जाए तो आपके थंबनेल्स मतलब वैसे क्लिकेबल नहीं है,
थंबनेल पर आपको ध्यान देना होगा, थंबनेल आप ठीक कीजिए। और आपने गेमिंग चैनल बनाया तो है, आपने अपनी वीडियोस डाली है, बट मुझे लगता है आप मतलब ये व्हाट्सएप स्टेटस स्काउट और मॉडल के ये आप डालने लग रहे हैं बीच में, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग हो जाएगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये आपका कंटेंट नहीं है। मतलब अगर आप खुद से एडिट भी कर रहे हैं तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं दिख रही है। ये आपने मॉर्टल की वीडियो डाली हुई है, यहाँ पर आपने आई गेस उसी तरह से स्काउट की वीडियो डाल दी है, सेम चीज़ है, तो आपके ऑडियंस को मतलब ये क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आप इस पर क्या डाल रहे हैं। आपने गेम प्ले डाला, अगर गेम प्ले डाला तो आई होप आपने कमेंट्री डाली होगी। आपने सिर्फ गेम प्ले डाला हुआ है, इस पर कमेंट्री नहीं है, बिना कमेंट्री के गेम प्ले वीडियो कोई नहीं देखेगा, मतलब क्योंकि गेम प्ले बिना कमेंट्री के उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। लोग देखते हैं क्योंकि गेमर की पर्सनैलिटी लोग देखना चाहते हैं। BGMI तो बहुत लोग खेल रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्लेयर्स को लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी वहाँ पर गेमिंग में दिखती है। अब जब तक आप कमेंट्री करेंगे नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर दिखेगी कैसे? तो मेरी तरफ से दो सजेशन है, एक तो आप कमेंट्री करना स्टार्ट कीजिए, दूसरा चीज़ आप थंबनेल सही कीजिए। थंबनेल आपका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है। जैसे अगर जैसे आपने यहाँ पर मॉर्टल की ही वीडियो डाली हुई, तो अगर मैं मॉर्टल के चैनल पर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब थंबनेल्स जो है वो काफ़ी क्लियर हैं। जैसे यहाँ पर ये 1v3 लिखा हुआ है, वो मतलब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं वो सारे क्लियर हैं। अगर आप देखें तो आपके चैनल पर ये कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, आपने टेक्स्ट भी लिखा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप इन सारे थंबनेल बनाने पर आप ध्यान दीजिए और कमेंट्री पर ध्यान दीजिए और इसको ठीक कीजिए, क्योंकि ये मतलब डेस्कटॉप पर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आई होप इस पर आप काम करेंगे, ऑल द बेस्ट। थर्ड चैनल जो है आज हमारे पास वो है जेनोपीड्स, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ऊपर में वेलोरेंट का है, मतलब ये भी गेमिंग चैनल है। आपका होम फीड काफ़ी सही है, शॉर्ट्स आपका मतलब शॉर्ट्स आपने जिस तरह से लगाया वो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब एक 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 पैटर्न में दिख रहा है, तो क्या होता है कि मतलब देखने में विजुअली थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये चीज़ आपका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आपने ये भी अच्छा बनाया है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कट रहा है यहाँ पर से टेक्स्ट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। वैसे सही है, बट थोड़ा सा अगर इस वैलोरेंट जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो मतलब पढ़ने में थोड़ा इजी होगा। अब अगर आपके वीडियोस पर हम जाएं तो थंबनेल वगैरह, अच्छा BGMI के थंबनेल आपने सही बनाए, आपका थंबनेल सही है जहाँ पर भी आपने लगाया है, शॉर्ट्स में नहीं लगाया तो खैर कोई बात नहीं, शॉर्ट्स में बहुत लोग नहीं लगाते हैं तो चलेगा। आपने ज़्यादातर शॉर्ट्स ही अपलोड किए हैं और शॉर्ट्स पर आपको व्यूज़ आए भी हैं, जैसे यहाँ पर 2.9K आया है आपके। हाँ, अगर 316 सब्सक्राइबर है उसके हिसाब से आपके शॉर्ट्स पर व्यूज़ आए हैं। अच्छा, आपका भी वीडियो देख लिया जाए कि आप कमेंट्री कर रहे हैं या नहीं, तो अगर किसी लंबी वीडियो को मैं प्ले करूं यहाँ पर, आपने ये टाइटल में ये बहुत ज़्यादा लंबा सा ये जो डाल दिया है, ये इसका कोई ख़ास मतलब मुझे दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक लगता है मुझे आपने भी कमेंट्री नहीं की हुई है। तो यार, अगर आपका गेमिंग चैनल है, जितने भी लोग भी देख रहे हैं, अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आप कमेंट्री ज़रूर करिए, बिना कमेंट्री के गेमिंग चैनल देखना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो कमेंट्री आप ज़रूर करिए। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आप लिखना सीखे, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ नहीं डाला हुआ है, आपने सिर्फ सैमसंग के इतने सारे मॉडल के नाम डाल दिए हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन लिखना सीखिए। और वीडियो टैग्स में यार तन्मय भट्ट के टैग्स मत डालिए, ये मिसलीडिंग होता है, तो ये तरीका सही नहीं है। आप तन्मय भट्ट के टैग्स मत डालिए, BGMI के टैग्स ही डालिए, तो आप मतलब डिटेल में डाल सकते हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या BGMI लाइव, इस तरह से करके आप बहुत सारे अलग अलग टैग्स डाल सकते हैं। टैग्स किस तरह से सर्च करना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप कमेंट्री पर ध्यान दीजिए और टैग्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना सीखिए। नेक्स्ट चैनल जो है वो है मस्ती की पाठशाला। यार, आपका तो चैनल ही नहीं है भाई, पहले चैनल बना तो लो उसके बाद सबमिट करना। नेक्स्ट है गणेश सिरवी, आपने भी अभी बस चैनल स्टार्ट ही किया है और स्टार्ट करके छोड़ दिया है। 5 महीने पहले आपने 3 वीडियो डाली थी, तो यार
आप पहले चैनल बनाओ तो सही, उसके बाद सबमिट करना रिव्यू के लिए। तो यार ये थे कुछ चैनल के रिव्यूज़। अब रिव्यू के लिए बहुत सारे चैनल आए थे, तो एक ही वीडियो में सभी को ले पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए एक एक वीडियो में मैं पाँच पाँच चैनल्स को ले रहा हूँ। और लोगों ने बहुत सारे सबमिट किए थे, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं मेरे पास जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल भी रिव्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, अपने चैनल का लिंक उस फॉर्म में सबमिट कर दीजिए और मैं आपके चैनल को आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लूँगा। चैनल का नाम नहीं डालना क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे चैनल होते हैं, पिक करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ चैनल का लिंक डालिएगा गूगल फॉर्म में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, गूगल फॉर्म में। तो यार फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।